मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुरस्कार पा चुकी मशहूर लावणी डांसर विजया पालो के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। विजया पालो दीवा में सोनू पैलेस नामक इमारत में रहती हैं और ये मारपीट विजया पालो और एक बिल्डर के परिवार के बीच में मारपीट हुई है। बिल्डर का नाम चेतन पाटिल बताया जा रहा है। बहरहाल ये दोनों तरफ से मुंब्रा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई है। दोनों तरफ से विनय भंग और मारपीट का आरोप लग रहा है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर गीताराम शेवाले ने ये जानकारी दी है कि विजया पालो ने एक प्लम्बर को काम करने के लिए बुलाया था, मगर बिल्डर चेतन पाटिल ने प्लम्बर को रोक दिया क्योंकि इमारत का रखरखाव चेतन पाटिल के हाथ में था। चेतन पाटिल ने विजया पालो से कहा कि बिना मुझसे पूछे बाहर के प्लम्बर को क्यों बुलाया गया। इसी बात को लेकर विजया पालो और बिल्डर चेतन पाटिल के दोनों परिवारों के बीच में मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान विजया पालो को काफ़ी चोट लगी है। विजया पालो को कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालांकि उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है और दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ मुंब्रा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई गई है और दोनों तरफ के एक दूसरे के परिवार की महिला के साथ छेड़खानी और मारपीट का आरोप लग रहा है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर गीताराम शेवाले ने इस मामले में निष्पक्ष जांच कराए जाने की बात कही है। बहरहाल इस दीवा में हुए इस मारपीट के पूरे मामले में मुंब्रा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर गीताराम शेवाले ने क्या जानकारी दी है आपको सुना दें। सर, दीवा में लावणी डांसर के साथ कुछ मामला हुआ था, क्या है पूरा घटना? ये दीवा में सोनू पैलेस करके एक इलाका है जो एक रिहायशी इमारत है, वहाँ पर ये विजया पालो जो मैडम रहती है उन्होंने कुछ घर का काम करने के लिए प्लम्बर बुलाए थे। वहाँ पर जो मैनेजर है यानी चेयरमैन है उस बिल्डिंग के, चेयरमैन और जो बिल्डिंग के बिल्डर है या विकासक है वो खुद उनका मेंटेनेंस वगैरह देखते हैं। ये प्लम्बर जब आए थे उन्होंने उनको पूछा कि ये प्लम्बर किस लिए आए, तो उन्होंने बोला, ये प्लम्बर बोले कि हम इस मैडम के पास आए। तो उसी दरमियान वो पाटिल जो है कंस्ट्रक्शन वाले, उनका परिवार बाहर ही खड़ा था, ये लोग सामने आए और ये इसी बात से कि हमको पूछा नहीं, इस बात से दोनों परिवार में झड़प हो गई और आपस में तू तू मैं होकर एक दूसरे को हाथों से मारपीट हो गई है। अच्छा, कुछ वार की घटना से हुआ था कि कुछ हथियार से वार हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में दोनों तरफ से हाथापाई हो गई और हाथों से और गुद्दों से मारामारी हो गई। तो इसमें जो FIR दर्ज हुई है दोनों तरफ से हुई है? हाँ, इसमें विजया पालो मैडम इनके कंप्लेंट से सामने जो चेतन पाटिल और उनका जो परिवार है 5-6 इनके खिलाफ IPC की धारा 354 यानी विनय भंग गर्दी मारामारी 143 वगैरह ये सेक्शंस लगे हैं। और ये चेतन पाटिल की जो बीवी है उनकी कंप्लेंट पे विजया पाटिल और उनका विजया पालो और उनके जो आदमी है विकास, इन दोनों के ऊपर गुना दाखिल हुआ है, वो भी विनय भंग और मारामारी का। यानी दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस कंप्लेंट में विनय भंग और मारामारी का गुना दाखिल हुआ है। सर, आगे क्या कार्रवाई इस पे? आगे पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है और निष्पक्ष तफ्तीश होगी और इसमें जो हल निकलेगा वो सामने आ जाएगा।